क्लास सेकेंड पेज नंबर 22 द लेजी डंकी स्टोरी टाइम। वंस देयर लिव्ड अ सॉल्ट मर्चेंट, ही यूज्ड टू कैरी सॉल्ट बैग्स ऑन हिज डंकी। एक बार एक नमक का व्यापारी रहता था जो अपने गधे पर सॉल्ट के बैग को, नमक के थैलों को लाद कर ले जाता था। वन डे ऑन देयर वे टू द मार्केट द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ स्ट्रीम। एक दिन जब वो मार्केट लेके जा रहा था डंकी को, तो उसका पैर फिसल गया पानी में, स्ट्रीम पानी की धारा में उसका पैर फिसल गया। सम ऑफ द सॉल्ट विच इट वॉज कैरिंग डिजॉल्व्ड इन वॉटर, कुछ नमक जो था वो पानी में गिरने की वजह से गल गया उसका। द बैग बिकम मच लाइटर टू कैरी, और उसका बैग जो था वो काफी हल्का हो गया जो उसने पीठ पर रखा हुआ था। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी, वो गधा बहुत ही खुश हुआ। देयर आफ्टर द डंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक अगेन एंड बिकम लेजी। उसके बाद डंकी ने रोज ही यह खेल शुरू कर दिया, ये ट्रिक रोज ही उसने शुरू कर दी। वो रोज ही जैसे ही पानी के बीच में पहुंचता और वो फिसलने का नाटक करता, और जिससे उसका बोझ हल्का हो जाता, इससे वो लेजी हो गया और वह लेजी हो जा रहा था। द सॉल्ट मर्चेंट देन डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू हिज लेजी डंकी। सॉल्ट मर्चेंट ने डिसाइड किया कि मैं इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डंकीज बैक, दूसरे दिन सॉल्ट मर्चेंट ने कॉटन से भरा हुआ बैग जो है वो डंकी के पीठ पर लाद दिया। अगेन द डंकी नोइंगली स्लिप इन टू द स्ट्रीम, क्योंकि उसकी आदत थी, वो जानता था कि पानी में गिरने पे नमक हल्का हो जाता है, तो उसने फिर से वैसे ही किया। जैसे ही वो पानी में स्लिप हुआ, जैसे वो पानी में पहुंचा, उस वह स्लिप हो गया। दिस टाइम हाउएवर द कॉटन बैग ऑब्जर्व द वाटर एंड बिकम वेरी हैवी। इस बार लेकिन नमक नहीं था, क्योंकि नमक तो गल जाता था, इस बार कॉटन था, और कॉटन जो है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। तो इस बार कॉटन में पानी भर गया उसमें, कॉटन बैग में, कॉटन के बैग में, तो उसमें वो काफ़ी भारी हो गया। द डंकी हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कैरी द बैग टू द मार्केट, डंकी को अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उस बैग को मार्केट तक ले जाने में। द लेजी डंकी हैड लर्न हिज लेसन, ही नेवर प्लेड दैट ट्रिक अगेन। उस दिन से लेजी डंकी ने ये लेसन सीख लिया, यह सीख ले ली कि वह आगे से कभी ऐसी ट्रिक नहीं अपनाएगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। वी शुड ऑलवेज डू द वर्क गिवन टू अस प्रॉपरली एंड नेवर बी लेजी, हमें जो भी काम दिया जाता है वह हमको प्रॉपरली करना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, आज के काम को कल पर या परसों पर नहीं टालना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ हमको काम को करना चाहिए। ओके, तो ये आपको सिर्फ रीड करना है, इसको अच्छे से आप रीडिंग करिए और इस कहानी का आनंद भी लीजिए। ओके, थैंक यू।